दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप भी अपनी कार के लिए ढूंढ रहे हैं कार डैशबोर्ड फैन, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में मैं वॉचमैन के कार डैशबोर्ड फैन का रिव्यू करने वाला हूं, जिसे मैंने अमेजोन से मंगवाया था, अभी मेरे पास आ गया है। तो कुछ इस तरीके के बॉक्स के अंदर आता है। ऊपर की तरफ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे तो ऊपर वॉचमैन मेंशन किया गया है, हालांकि जो बॉक्स मेरे पास आया वो मिशेल का बॉक्स है। तो एक बार मैं सबसे पहले इसके मोटे मोटे फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर फैन की एक पिक्चर बनी हुई है, तो कुछ इस तरीके से ही देखने में फैन लगता है। इसके अलावा जो मोटर है वो 100% प्योर कॉपर की है, ये दिखाया गया है। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनर्जी सेविंग, सेफ्टी, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है, यानी कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये डबल हेडेड व्हीकल फैन है। इसके अलावा इसका डबल यूज अवेलेबल है, यानी कि आप इसको अगर गाड़ी में यूज करना चाहते हैं तो गाड़ी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पावर अडाप्टर आता है वो 12 वोल्ट का जो गाड़ी का पावर अडाप्टर होता है वो आता है। लेकिन अगर आपके पास एसी टू डीसी पावर यू नो अडाप्टर भी है तो उसको आप घर पर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लो नॉइज है, यानी कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप कार डैशबोर्ड फैन लेते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा नॉइज करता है तो अगर हम लंबे ट्रैवल करते हैं तो उस केस में काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, काफी आवाज करने वाला फैन। इसके साथ साथ इसमें 2 स्पीड एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। तो एक बार सबसे पहले मैं बॉक्स से इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं। अभी मैंने फैन को बॉक्स से निकाल लिया है, तो कुछ इस तरीके से देखने में लगता है ये फैन। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो अगेन मिशेल की जो ब्रांडिंग है वो करी गई है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ABS क्लास का प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है, तो बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी। हालांकि अगर फिनिशिंग की बात करूं तो इतनी खास मुझे इसकी फिनिशिंग नहीं लगी। आप देख सकते हैं एजेस वगैरह जो है वो साफ ऐसे दिख रहे हैं कि जोड़े गए हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे कि किस तरीके से इसकी फिनिशिंग देखने में लगती है। तो ओके फिनिशिंग वाइज ये प्रोडक्ट है, बट बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, वेट भी इसका ठीक ठाक ही मुझे लगा। इसके अलावा अगर इसके फैन हेड्स की मैं बात करूं तो आप देखेंगे किस तरीके से ये फैन हेड्स जो है वो रोटेट होते हैं, जिससे कि जिस तरफ आपको हवा चाहिए होती है आप उस तरफ हवा कर सकते हैं। ये वाला फैन हेड भी एक बार रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक ये बटन, जिससे कि आप इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बटन है, हालांकि किसी तरीके का साउंड ये बटन नहीं करता जब मैं इसको चेंज करता हूँ, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि स्पीड चेंज हुई है कि नहीं हुई है। इस तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे ये 2 एडहेसिव टेप्स आपको मिल जाती है, जिसकी मदद से आप इसको डैशबोर्ड पे या जिस भी जगह आप चिपकाना चाहते हैं गाड़ी में आप चिपका सकते हैं। और अगर मैं इसकी सॉकेट की बात करूँ तो सॉकेट भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से 12 वोल्ट का जो पावर अडाप्टर है वो हमें यहाँ पे मिलता है, और इसको आप अपनी गाड़ी में अटैच कर सकते हैं, जिसकी मदद से इस फैन को आप ऑपरेट कर सकते हैं। घर पे अगर आपको अटैच करना होगा तो जो कन्वर्टर होता है उसको आपको लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप इस फैन को घर पर भी यूज कर पाएंगे। पीछे की तरफ एक बार दिखा देता हूं, तो पीछे की तरफ यहाँ पे मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। यहाँ पे अगेन 12 वोल्ट मेंशन किया गया है। और अब ये देख लेते हैं एक बार इसको चला के कि हाँ भी किस तरीके का ये साउंड करता है जब हम गाड़ी में इसको चलाते हैं और डैशबोर्ड वगैरह पे लगाते हैं तो कैसा लगता है, वो भी एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ मैंने इसको डैशबोर्ड पर रख दिया, तो देखने में किस तरीके से लगता है। और अगर इसकी कॉर्ड लेंथ की बात करूं तो मुझे कोई बहुत ज्यादा ये लंबी नहीं लगी, करीबन 3 फीट की कॉर्ड लेंथ आपको इसमें मिलती है। और मेरा जो पावर अडाप्टर है वो यहाँ पे इस हैंडरेस्ट के अंदर है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको इस तरफ करने की कोशिश करता हूं तो सामने की तरफ से जो है ये खींच के इस साइड आ जा रहा है, यानी कि कॉर्ड लेंथ वाइज तो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। लेकिन अगर आपका पावर अडाप्टर कहीं नीचे इस तरफ होता है, जो ज्यादातर गाड़ियों में होता है, तो उस केस में आप इसको ठीक से यूज कर पाएंगे। एक बार अभी मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं कि इसका एयर फ्लो वगैरह कैसा है, और उसके बाद इसका साउंड भी देख लेते हैं कि क्या ये काफी ज्यादा साउंड करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों अभी मैंने इसको पावर अडाप्टर पर लगा दिया है, लेकिन मेरी कार में तो ये कहीं से भी यूजफुल नहीं होता है। आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सामने की तरफ यहाँ पर आ जा रहा है, तो किसी भी तरीके से ये मेरी कार के लिए यूजफुल नहीं है। हालांकि एक बार मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने इसको ऑन कर दिया और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का साउंड जब ये चलता है आता है, काफी ज्यादा तेज साउंड है। और अगर आप लंबी ड्राइव वगैरह पे जाते हैं तो काफी ज्यादा इरिटेटिंग और नॉइजी भी हो सकता है। और फैन की स्पीड वाइज मैं अगर बताऊं तो हवा का फ्लो मुझे कोई खास इतना नहीं लगा। मैं यहाँ सामने की तरफ बैठा था, मेरे को यहाँ सामने की तरफ भी इतनी दूरी पर भी बहुत ज़्यादा हवा फील नहीं हो रही है। तो जो इसका पर्पज़ है, मुझे नहीं लगता है कि अपने पर्पज़ पे खरा उतरता है। रीज़न उसका ये है कि एक तो इसकी कॉर्ड लेंथ बहुत छोटी दी गई है, जिसकी वजह से आप इसको सही जगह पे प्लेस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका जो फैन की स्पीड है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा एवरेज ही लगी, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लगी, जिससे कि हवा का फ्लो काफ़ी ज़्यादा आपके पास आए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ जो इसमें मुझे लगी, वो है इसके फ़ैन की नॉइज़, काफ़ी ज़्यादा नॉइस है। आप अगर म्यूज़िक वगैरह भी सुनते हैं तो म्यूज़िक वगैरह इन्जॉय नहीं कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगी लंबे टाइम के बाद। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये प्रोडक्ट जो है वो एवरेज ही प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ अगर मैं इसको हल्का सा भी प्रेस करता हूं, अगर आप देखेंगे कि प्लास्टिक की क्वालिटी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर मैं हल्का सा भी इसको प्रेस कर रहा हूं तो जो इसके फैंस है अंदर वो इसके बाहर वाले जो कवर है उससे टच हो रहे हैं, यानी कि अगर बच्चे वगैरह भी आपके साथ ट्रैवल करते हैं और कई बार इसके साथ अगर हाथ वगैरह ऐसा लगा देते तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सेफ ये प्रोडक्ट होने वाला है। अभी मैंने फैन की स्पीड को 2nd लेवल पर कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि साउंड जो है पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ओवरऑल अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो मुझे तो प्रोडक्ट किसी भी तरीके से गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगाने लायक लगा नहीं। उसका रीज़न यही है कि एक बहुत ज़्यादा साउंड करता है, हवा का फ्लो भी ओके है, बहुत ज़्यादा हवा का फ्लो नहीं। आप देखेंगे अगर मैं इस तरफ भी करूँ तो बहुत क्लोज होने के बाद ही ये जो अगर आप देख रहे हैं कपड़ा उड़ता है,
हालांकि ये बहुत ज्यादा कपड़े से क्लोज है, इसलिए ये हवा इतनी ज्यादा आपको लग रही है। मैं जिस जगह बैठा हूँ गाड़ी में, अगर मैं थोड़ा पीछे होकर आपको दिखाऊं, मैं इतनी दूर बैठा हूँ तो मुझे कोई खास इसका हवा का फ्लो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, जबकि इसकी फैन की स्पीड जो है बिल्कुल मैक्सिमम पर है। अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करूं तो अराउंड 607 रुपीज़ में मुझे ये अमेजोन से पड़ा। हालांकि अगर ये अपने पर्पस को सॉल्व नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि 607 कीमत कम होने के बावजूद भी ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। दोस्तों, अगर आपके मन में इस फैन को लेकर कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।